हमारे जहनों में जो मेयारात बैठे हुए हैं वो क्या है? कामयाबी पैसे से है, कामयाबी जायदाद से है, कामयाबी कारोबार से है, कामयाबी शोहरत से है, कामयाबी इख्तदार से है। ये मेयारात है। जो जितना दौलतमंद उतना कामयाब, जो जितना मशहूर उतना कामयाब, जो जितना पॉपुलर उतना कामयाब, जो हुकूमत पर पहुंच गया कामयाब, जिसने बड़ा कारोबार जमा लिया कामयाब, जिसने बहुत जायदाद बना ली कामयाब। यही है असल में सारी विष की गांठ। जो तसव्वुर कामयाबी का होगा उसी के मुताबिक आपकी भाग दौड़ होगी, उसी के लिए जिद्दोजहद होगी, उसी के लिए तवानाइयां सर्फ होंगी, उसी के लिए दिन रात की मुशक्कत होगी। यह है असल शय जिसकी यहां नफी हो रही है। कामयाबी दौलत से नहीं, कामयाबी शोहरत से नहीं, कामयाबी इख्तदार और ताकत और हुकूमत से नहीं, बल्कि कामयाबी है ईमान से, अमल साले से, तवासी बिल हक से, तवासी बिल सब्र से। आप गौर कीजिए इस नुक्ते नजर का, इस एटीट्यूड का, ये जो मेंटल एटीट्यूड है इसका बदल जाना ही इंसानी शख्सियत के अंदर इंकलाब बर्पा करेगा। अब आपका नतीजा क्या निकला? अगर तो दौलत से कामयाबी होती तो कारून बहुत कामयाब था, अगर हुकूमत से कामयाबी होती तो फिरौन और नबूद बहुत कामयाब थे। कामयाबी इनसे नहीं है, कामयाबी इंसान दौलत में कानून की दौलत तक पहुंच जाए और दुनिया में दबदबा और इख्तदार और सल्तनत और हुकूमत के एतबार से वो नमरूद और फिरौन का मकाम हासिल कर ले, वो नाकाम है, खाइब है, खासिर है, बर्बाद है। और अबू ज़र ग़फ़ारी कामयाब है, चाहे उनके पास कुछ नहीं था, झोंपड़ी तक नहीं थी, कोई घर नहीं था। हुज़ूर ने फरमाया है अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो किसी महफिल में जाना चाहें तो उन्हें इजाजत न मिले, जो कहीं अगर रिश्ता करना चाहे कोई उनसे रिश्ता करने को तैयार ना हो, कहीं कोई सिफारिश करना चाहे तो उनकी कोई बात ही ना सुने। लेकिन अल्लाह के यहां उनका वो मकाम है कि अगर भूले से भी किसी बात पर कसम खा बैठते हैं तो अल्लाह उनकी कसम की लाज रखता है। ये है फर्क, ये जान लीजिए अच्छी तरह। इस बात का मान लेना आसान, इस पर सुभान अल्लाह कहना आसान, लेकिन इसके मुताबिक आपके अपने जहन का बदल जाना बहुत मुश्किल। इसलिए कि हम मुतासिर होते हैं अपने माहौल से। वो बड़ा महल है, देखकर एक दफा झुरझुरी आती है, वो बड़ी सी 20 फुट लंबी कार सन्नाटे के साथ आपके पास से गुजर गई, एक दफा आसाब के अंदर इर्तियाश होता है, महसूस होता है बड़े ये नसीबे वाले लोग हैं, बड़े खुश नसीब, बड़े कामयाब। हालांकि कुछ मालूम नहीं कि यही सबसे बड़ी बदनसीबी हो सकता है कि यही सबसे बड़ी नाकामी हो। अगर जहनों में ये बात बैठ जाए कामयाबी किस शय से, यही वजह देखिए कुरान मजीद में बारहा आप देखिए, उलाएका हुमुल मुफ्लिहून, ये है लोग कामयाब होने वाले। आज ही आपने नमाज में वो आयात सुनी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफअलुल खैरा लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालों, रुकू करो, सजदा करो, अपने रब की परस्तिश और बंदगी करो और अच्छे काम करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो कामयाबी किन चीजों से है, ये है सबसे बड़ा सबक। ये हमारे दिल में अगर बात बैठ जाए, ठुक जाए, तो जिंदगी बदल जाएगी, सुबह शाम बदल जाएंगे, नक्शे बदल जाएंगे, भाग दौड़ का रंग बदल जाएगा, वैल्यू स्ट्रक्चर बदल जाएगा। आज वो एक चीज निहायत अहम नजर आ रही है, कल निहायत गैर अहम नजर आएगी। जैसे कि हुजूर की हदीस है, माली वली दुनिया, मुझे तुम्हारी इस दुनिया से क्या सरोकार है, इन्नमा मसली का राकिब इस्तदल्ला तहत शजरतिन सुमराहा फतरका, मेरी मिसाल तो उस सवार की सी है जो थोड़ी देर के लिए एक दरख्त के साए में ठहरता है सस्ताने के लिए, फिर वो अपना रास्ता लेता है, उसे उस दरख्त से मुस्तकिल ताल्लुक उसका नहीं है, वो उसका घर नहीं, वो उसकी मंजिल नहीं। इसी तरह ये दुनिया मेरा घर नहीं है। अब देखिए हम कहते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो मुसाफिर हैं, हम अल्लाह के पास से आए, अल्लाह की तरफ हमें लौट जाना है। कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबन व आबिरु सबीली, हुजूर फरमाते हैं
دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہو. لیکن یہ طرز عمل کب ہوگا؟ جبکہ یہ آیت ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ گئی ہو. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ ہے اصل بات جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں بتاؤں گا صحابہ کیوں ایک دوسرے کو یاد دلاتے تھے. اس لیے کہ دیکھیے جیسے برف باری اگر ہو رہی ہو آپ باہر نکلیں گے تو برف آپ کے کپڑوں پر جم جاتی ہے نا, تو آپ جھٹکتے ہیں کپڑوں کو تاکہ برف ہٹ جائے. ہمارے ایمان پر اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم متاثر ہوتے ہیں ماحول سے تو گردہ آ جاتا ہے, برف پڑ جاتی ہے, اس کو جھٹکتے رہنے کی ضرورت ہے. اور وہ جھٹکنے کی بہترین اور مؤثر ترین شکل یہی ہے کہ یاد رکھو کامیابی ان چیزوں سے نہیں ہے. چمک دمک جو ہے دنیا کی, یہ ساری چمک دمک جو تمہیں رجھا رہی ہے, جو تمہیں اپنے اندر گم کیے ہوئے, یہ لفظ گم پر اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. تم گم نہ ہو کر رہ جاؤ اس میں, مبہوت نہ ہو کر رہ جاؤ, مرعوب نہ ہو کر رہ جاؤ. دنیا ہی کی محبت تمہارے اوپر ڈیرے نہ ڈال دے, تمہارے دلوں کے اوپر مسلط نہ ہو جائے. لہذا تازہ کرتے رہا کرو. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. پھر یاد کر لو, پھر تازہ کر لو اپنے اس یقین کو کہ کامیابی دولت سے نہیں, کامیابی ثروت سے نہیں, کامیابی اقتدار سے نہیں, کامیابی شہرت سے نہیں, کامیابی جائیداد سے نہیں, کامیابی ہے ایمان سے, کامیابی ہے عمل صالح سے, کامیابی ہے تواصی بالحق سے, کامیابی ہے تواصی بالصبر سے. یہ چار چیزیں ہیں کہ جو کامیابی کے لوازم ہیں.